ओम शांति। 1 फरवरी 2022, बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, सारे कल्प में बड़े से बड़ी हस्ती यह ब्रह्मा है। इसमें ही बाप प्रवेश करते हैं, इन्हें ही तुम्हें फॉलो करना है। प्रश्न: बाप और दादा दोनों का विशेष गुण कौन सा है जिसे तुम्हें फॉलो करना है? उत्तर: बाप निराकारी सो निरहंकारी है, तो दादा भी साकार में होते सदा निरहंकारी है। इतनी बड़ी हस्ती होते हुए भी कितना साधारण रहते हैं। एक ओर कहते यह ऊंचे से ऊंच हीरा बनाने वाले बाबा की डिब्बी है, तो दूसरी ओर कहते यह पुराने ते पुरानी लॉन्ग बूट है जिसमें बाप ने प्रवेश किया है। दोनों ही बच्चों की सेवा में हाजिर हैं, तो ऐसे ही बच्चों को भी फॉलो फादर कर निरहंकारी हो सेवा करनी है। गीत: ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बच्चों ने किसकी महिमा सुनी? सब बच्चे कहेंगे कि ऊंचे ते ऊंच भगवान, उनका नाम है शिव। शिवाय नमः कहते हैं ना, यह तो भारतवासी जानते हैं। शिव जयंती भी मनाते हैं, महिमा भी बहुत करते हैं। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। परंतु सिर्फ इतने तक ही कहते हैं शिवाय नमः। वह मात पिता कैसे हैं, वर्षा कैसे देते हैं, यह दुनिया भर में कोई नहीं जानते। यह तो एक वंडरफुल हस्ती है। शिव बाबा है निराकार। जब तक शिव बाबा को शरीर ना मिले तो शिव बाबा क्या करेंगे? शिव बाबा तो निराकार है। निराकार की ही महिमा गाते हैं। सबसे ऊंचे ते ऊंचा उनका ठाव, रहने का स्थान है। कौन सा ठाव? मूल वतन। फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर का कौन सा ठाव है? सूक्ष्म वतन। फिर जगत अम्बा का ठाव है, यह स्थूल वतन। यह तो सब जानते हैं कि जगत अम्बा तो यहाँ की रहने वाली होगी। जगत माना ही मनुष्य सृष्टि। नाम तो बहुत अच्छा है जगत अम्बा, परंतु वह कौन है, कहाँ से आई, यह कुछ भी जानते नहीं। जान पहचान कहाँ से मिली? जरूर कोई मनुष्य हस्ती से मिलनी चाहिए जिसमें परम पिता परमात्मा आवे। निराकार आत्माएं भी साकार हस्ती में आती हैं। भल आत्मा तो जानवर में भी है, परंतु उनका कुछ भी गायन नहीं है। गायन किस हस्ती का होता है? निराकार शिव बाबा का। वह जब तक हस्ती में ना आए तो कुछ कर ना सके। आत्मा को भी जब तक हस्ती शरीर ना मिले तो पार्ट बजा ना सके। सिर्फ हस्ती का गायन नहीं, हस्ती में जब आत्मा आती है
तब ही उनका गायन होता है। बाप कहते हैं, मेरी महिमा तो सब करते हैं, पतित पावन, परंतु मुझे भी मनुष्य तन चाहिए जिसमें मैं प्रवेश करूं। बिगर हस्ती कुछ कर न सके तो बाप भी आकर हस्ती लेते हैं, वह गर्भ में नहीं आते हैं। शिव जयंती भी गाई जाती है, परंतु शिव बाबा किस हस्ती में और कब आया यह नहीं जानते। अच्छा, रात्रि में आया, परंतु किस हस्ती में आया यह नहीं जानते। गाते भी हैं भागीरथ अर्थात भाग्यशाली रथ, तो जरूर मनुष्य हस्ती होगी। यह जो हस्ती है जिसमें परम पिता परमात्मा प्रवेश करते हैं, यह कितनी ऊंची हस्ती है। अभी तुम जानते हो कि शिव बाबा ब्रह्मा के सिवाय किसी भी हस्ती में आ नहीं सकता। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ही आकर मनुष्य सृष्टि रचते हैं। जब जब भारत बहुत दुखी और भ्रष्टाचारी हो जाता है, तब परम पिता परमात्मा इस हस्ती में प्रवेश कर तुम्हें सुखी श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। इस भागीरथ बिगर शिव बाबा भी कुछ कर नहीं सकते, कोई तो चाहिए ना। यह हस्ती शिव बाबा की है, यह ना हो तो तुम शिव बाबा से वर्षा पा नहीं सकते। गाया भी जाता है, प्रजापिता ब्रह्मा अथवा त्रिमूर्ति ब्रह्मा। देव देव महादेव कहते हैं, इन तीनों में भी ब्रह्मा का नाम ऊंचा क्यों? ब्रह्मा तो यहाँ ही है जिसके रथ में आते हैं। विष्णु और शंकर को तो देवता कहते हैं। अच्छा, जो ब्रह्मा है उनको देवता कहना चाहिए। वह तो है प्रजापिता ब्रह्मा। मनुष्य तन चाहिए, गाया भी हुआ है, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं, तो जरूर ब्रह्मा मुख से ही ब्राह्मण रचेंगे, तो यह कितनी बड़ी हस्ती है, परंतु है कितनी साधारण। इतनी बड़ी हस्ती, इनका रहन सहन देखो कितना साधारण है, कितना निरहंकारी है। अभी आकर तुम्हारी सेवा में उपस्थित हुआ है, देखो कैसे बैठ पढ़ाते हैं। तुम क्या पढ़ते हो? तुम कहेंगे हम राजयोग की पढ़ाई पढ़ते हैं। कौन पढ़ाते हैं? परम पिता परमात्मा। तो छोटे बड़े बूढ़े जवान सब पढ़ते हैं। यह ईश्वरीय कॉलेज है। मनुष्य से देवता अथवा विश्व का मालिक बनने का, यहाँ हम आए ही हैं पढ़ने अथवा विश्व की बादशाही लेने। लक्ष्मी नारायण जब विश्व पर राज्य करते थे तो और कोई धर्म नहीं था, ना कोई खंड था, एक ही भारत खंड था। अब फिर वह पद प्राप्त करने के लिए तुम यहाँ कैसे बैठे हो? इस पढ़ाई बिगर तुम विश्व के मालिक बन ना सको। भारत शिवालय बन ना सके। शिव बाबा ही गाया हुआ है, निराकार निरहंकारी। जब तक हस्ती में प्रवेश ना करे तो निरहंकारी पना कैसे दिखावे? कितनी महिमा है
अकाल मूरत, परंतु ऐसे नहीं कि वह मुर्दे को भी जिंदा कर सकते हैं। तुम बच्चों को बहुत नशा होना चाहिए कि हमको परम पिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखला रहे हैं। ब्रह्मा बिगर प्रजापिता किसको कह नहीं सकते। ऐसे नहीं कि शिव या विष्णु प्रजापिता हैं, नहीं, ब्रह्मा ही सारे मनुष्य सृष्टि का पिता है और आत्माओं का पिता है शिव बाबा। बाकी उस पिता को तो कोई जानते ही नहीं, अपनी आत्मा को ही नहीं जानते। कहते हैं पुण्य आत्मा पाप आत्मा, फिर क्यों कहते हम ही परमात्मा हैं? कितनी ठगी है। तुम बच्चे जानते हो, आज से 5000 वर्ष पहले पीस प्योरिटी प्रोस्पेरिटी थी। अब बाप कहते हैं मैं आकर सबको नॉलेज देता हूँ। पहले तुम कुछ नहीं जानते थे, अब सब कुछ जानते हो। बाप की बायोग्राफी बाप से ही जानी जाती है। अब निराकार की बायोग्राफी कैसे हो सकती है? जरूर जब साकार में आए तब बायोग्राफी हो। सिर्फ आत्मा की बायोग्राफी नहीं हो सकती है, जीव आत्मा बने तब पुनर्जन्म में आवे और बायोग्राफी भी हो। वे लोग कहते हैं 84 लाख योनियां हैं। बाप कहते हैं 84 लाख जन्म थोड़े ही होते हैं, ये सब गपोड़े हैं। बाप खुद कहते हैं मैं ब्रह्मा के तन में आकर तुमको वेदों का सार समझाता हूँ, साथ साथ राजयोग सिखलाता हूँ और रचयिता रचना के आदि मध्य अंत का राज भी समझाता हूँ। जब पहले पहले बड़े बड़े ऋषि मुनि ही नहीं जानते थे तो उन्हों की औलाद फिर कैसे जान सकती? तो देखो बड़े ते बड़ी हस्ती कितने साधारण रूप में है। ऊंचे ते ऊंच हीरा बनाने वाला बाप है, उनकी यह डिब्बी है। रथ कहो पुरानी जूती कहो, सबसे पुरानी जूती यह है। पहले पहले जब आत्मा आती है तो बिल्कुल नंबर वन थी। श्री नारायण को नंबर वन रखेंगे, श्री लक्ष्मी भी प्लस में हैं। उन्होंने भी पुनर्जन्म लिए, पहले सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी में। ऐसे जन्म लेते 84 का भी हिसाब चाहिए ना? 84 लाख का हिसाब तो कोई बता ना सके। 84 लाख जन्मों के कारण फिर कल्प की आयु भी लाखों वर्ष लिख दी है। अगर लाखों वर्ष होते तो भारतवासी हिंदू बहुत होते, परंतु यह तो संख्या और ही कम है। भारत का देवी देवता धर्म प्रायलोप हो गया है। कोई भी अपने को देवता नहीं कह सकते, क्योंकि देवता तो सर्व गुण संपन्न थे, अब वह है नहीं। रावण राज्य है ना कि राम राज्य। दुनिया वाले ना राम की ना रावण की बायोग्राफी को जानते हैं। दिन प्रतिदिन रावण की पाग बढ़ती जाती है, दुनिया पतित होती जाती है। 16 कला से गिरते गिरते 9 कला। सब कहते
मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नाही। आपे ही तरस करो तो हम सर्व गुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बने। भारत पहले परिस्तान था, कहने मात्र तो कहते हैं, परंतु सृष्टि चक्र को कुछ जानते नहीं। बाप कहते हैं, तुमको माया ने तुच्छ बुद्धि बना दिया है, परंतु अपना घमंड कितना है। तुम बच्चों को बाप कहते हैं, मीठे बच्चे तुम राम को याद करो तो माला में पिरोने लायक बन जाएंगे। रुद्र माला के बाद होती है विष्णु माला। भगत माला में भक्तों की महिमा होती है। यह रुद्र माला फिर विष्णु माला में पिरोनी है, यानी विष्णु के राज्य में जाती है। कितना ऊंचा ज्ञान है। सन्यास भी दो प्रकार का है, वह है हठ योग सन्यास। कर्म सन्यास तो कभी हो नहीं सकता। कर्म बिगर तो मनुष्य रह नहीं सकता। प्राणायाम चढ़ाकर बैठ जाएं, फिर भी कर्म तो करेंगे ना। अनेक प्रकारों से प्रैक्टिस करते हैं, वह कोई राजयोग नहीं, वह है हद का सन्यास, हठ योग सन्यास। वह भी भारत का धर्म है पवित्रता का, परंतु देवी देवताओं जितना पवित्र और कोई धर्म हो नहीं सकता। वहां कोई सन्यास नहीं करना पड़ता, क्योंकि आत्मा पवित्र है तो उनको शरीर भी पवित्र मिलता है। आत्मा में ही खाद पड़ती है, कला कम होते होते पतित बनना है। अभी सभी आत्माएं आयरन एज में हैं, सब सांवरे हैं। आत्मा जब पवित्र थी तो गोरी थी, अभी आत्मा अपवित्र है तो शरीर भी अपवित्र काले हैं। गाया भी जाता है श्याम सुंदर। कृष्ण का चित्र भी काला और गोरा बनाते हैं। अभी तुम सभी श्याम सुंदर हो। पहले भारत गोल्डन एजेड था, अब आयरन एजेड है। अब फिर बाबा ज्ञान चिता पर बिठाए गोरा बनाते हैं। अगर मुक्ति और जीवन मुक्ति चाहिए तो वह विकारों का हथियाला कैंसल करना है। पवित्रता की राखी बांधो। यह अभी की ही बात है, जबकि तुम ब्रह्मा के बच्चे हो। ब्राह्मण बनने बिगर कोई भी यहाँ आ नहीं सकते। तुम हो ब्रह्मा मुख वंशावली। शिव बाबा कहते हैं, मुझ निराकार की महिमा तो गाते हैं, परंतु शरीर जब तक ना ले तो कर ही क्या सकते। मैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में आता हूँ। अभी सबका विनाश होना है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी। कलयुग की स्थापना तो कभी होती नहीं, स्थापना होती है सतयुग की, संगम पर। बाप कहते हैं, मैं आता हूँ संगम युग पर। तुम ब्राह्मणों के लिए यह संगम है, बाकी सबके लिए है कलयुग। इस समय सब घोर अंधियारे में है, तो घोर अंधियारे को ही बाप आकर घोर सोझरा करते हैं। तुम बच्चे जानते हो, यह तो विचित्र चीज है। कृष्ण तो छोटा बच्चा है, वह तो कुछ समझा ना सके। कृष्ण की आत्मा भी भिन्न नाम रूप में इनसे समझ रही है।
अंतिम जन्म में, इसलिए इनको श्याम सुंदर भी कहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाप दादा के समान निरहंकारी और निराकारी बनना है, सबकी सेवा करनी है। दूसरा, मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए पवित्रता की राखी बांधनी है, ज्ञान चिता पर बैठना है। वरदान, पावरफुल ब्रेक द्वारा सेकंड में व्यक्त भाव से परे होने वाले अव्यक्त फरिश्ता व अशरीरी भव। चारों ओर आवाज का वायुमंडल हो, लेकिन आप एक सेकंड में फुल स्टॉप लगाकर व्यक्त भाव से परे हो जाओ, एकदम ब्रेक लग जाए, तब कहेंगे अव्यक्त फरिश्ता व अशरीरी। अभी इस अभ्यास की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि अचानक प्रकृति की आपदाएं आनी है, उस समय बुद्धि और कहां भी नहीं जाए, बस बाप और मैं। बुद्धि को जहां लगाने चाहे वहां लग जाए। इसके लिए समाने और समेटने की शक्ति चाहिए, तब उड़ती कला में जा सकेंगे। स्लोगन, खुशी की खुराक खाते रहो तो मन और बुद्धि शक्तिशाली बन जाएगी। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। दुनिया में अनेक प्रकारों की मत से परमात्मा की श्रेष्ठ मत। इस दुनिया में तीन प्रकार की मत हैं। एक है मन मत, दूसरी है गुरु मत, तीसरी है शास्त्र मत। अब विचार की बात है, मन मत, गुरु मत अथवा शास्त्र मत सभी आत्माओं की मत ठहरी, ना देवता मत ठहरी ना परमात्मा की मत ठहरी। भल कोई देवता की मत मिले परंतु वो मनुष्य आत्मा की मत हुई, परंतु देवताएं तो सर्व गुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हैं, उन्हें गुरु मत शास्त्र मत की जरूरत नहीं है, उन्हें गुरु की भी जरूरत नहीं थी। गुरु किया जाता है सदगति के लिए, तो जो अधोगति में है वो गुरु कर सकते हैं, परंतु सत्युग त्रेता में अधोगति नहीं है ना, तो वहाँ गुरु करने की जरूरत नहीं है। वास्तव में सच्चा गुरु एक परमात्मा है, जो सर्व आत्माओं को सदगति देने इस ड्रामा के अंत में आता है। बाकी तो सभी नाम मात्र गुरु हैं, क्योंकि कोई भी मनुष्य आत्मा मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता बता नहीं सकती। देवताएं भी मनुष्य से देवता बने हैं, बाकी वे कोई तीसरी आंख वाले या चार भुजाधारी नहीं थे। लोग तो समझते हैं कि देवताएं कोई मनुष्य से भिन्न होंगे,
हाँ, भिन्नता यह है कि वो 16 कला संपूर्ण होने के कारण बहुत पवित्र हैं। उन्हों के संस्कार शुद्ध थे। बाकी मनुष्य तो मनुष्य थे। मनुष्य में जब दैवी गुण हैं, तो उन्हें देवता कहते हैं। अब यह मत हमको परमात्मा द्वारा मिल रही है। हम मनुष्य मत या गुरु मत पर नहीं हैं, हम चल रहे हैं परमात्मा की मत पर। सभी आत्माओं से परमात्मा की जरूर श्रेष्ठ मत होगी। अच्छा, ओम शांति।